वो वाले बुखार की वो आ गया जाओ जल्दी से, और जो आज पहली बार जिनकी वो जोड़ों वाला बुखार की प्रॉब्लम में जल्दी से आगे आ जाओ। सुनो जितने लोग आप खड़े हो इस थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करो, बोल गया पूरी लाइन को पूरी लाइन हालेलुया। तो जिस सब वही बहनें जो संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया था और इनको फीवर की प्रॉब्लम थी जिसके कारण जिस सब बहनें बहुत ही परेशान थी, और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने पिछले संडे की मीटिंग को अटेंड किया था जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया कि जिनको बुखार की प्रॉब्लम है और जिनके अंगों में जोड़ों में दर्द रहती परमेश्वर आज उन्हें आजाद करने वाले। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। वो वाले बुखार की वो आगे आ जाओ जल्दी से, और जो आज पहली बार भी आई है जिनकी वो जोड़ों वाला बुखार की जो प्रॉब्लम है जल्दी से आगे आ जाओ दो मिनट में। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा जो परफेक्टिक वर्ड आया तो इन सब बहनों ने रिसीव किया, और जैसे जी आगे आए और जो इनकी प्रॉब्लम थी जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे, सबसे पहले नबीपुर से मनप्रीत सिस्टर, और जो बता रहे कि एक हफ्ता हो गया था ये जो हॉस्टल में पढ़ते सिस्टर, और वहाँ पर इनको फीवर की प्रॉब्लम हो गई। सुनो जिसकी भी गवाही दे रहे हैं अपना हाथ खड़ा करो ताकि इतने लोगों से पता चले, पूरा हाथ खड़ा करके रखो ताकि लोगों को पता चले किसकी गवाही हो रही है। और जी सिस्टर जो है जो हॉस्टल में पढ़ते हैं और वहाँ पर इनको फीवर की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण इनकी फैमिली को जब पता चला तो रात के समय जब घर में लेकर आए और इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जब बता रहे कि इतना तेज़ फीवर था, इसको चक्कर आ रहे थे और इसको सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, और जैसे इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की इनको उत्साहित किया गया, और नेक्स्ट अगले दिन ही थर्सडे की मीटिंग थी तो इनको मीटिंग में बुलाया गया, और जैसे इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के साथ जब सिस्टर की इनकी मीटिंग हुई तो इनकी मदर ने बताया कि 4 महीने हो गए जी हॉस्टल में पढ़ती है, पर उस समय से जो बता रहे हैं कि इसका प्रेयर में मन नहीं लगता, क्योंकि पहले जब जे जहाँ पर रहती थी तो उस समय जो प्रार्थना करती थी आधा घंटा एक घंटा प्रार्थना करती थी, और जब से जो हॉस्टल में गई थी सुबह के समय जो इसकी जो प्रार्थना सिर्फ 15 मिनट की थी, और उसके बाद इसका मन नहीं करता था ना तो जो वचन ही पढ़ती थी। तो जो बता रहे हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया उत्साहित किया, तो जो बता रहे हैं कि जब जे घर के और इन्होंने विश्वास किया तो जो फीवर था उससे तो जब इन्होंने फिर उन्होंने नेक्स्ट संडे की मीटिंग को अटेंड किया तो जिस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा जो परफेक्टिंग वर्ड आया तो इन्होंने रिसीव किया, तो जो बुखार था उससे तो परमेश्वर ने इनको आज़ाद कर दिया था, पर प्लस इसके जोड़ों में इसके अंगों में बहुत ही दर्द रहती थी। और जैसे फिर से इनको उत्साहित किया गया कि जो आप प्रार्थना में कमज़ोर हो, जो आपका मन नहीं लगता, आप प्रार्थना करो परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से भी आज़ाद करेगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए आया है निश्चय परमेश्वर आपको आज़ाद करने वाले। तो जैसे फिर इनका इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और जब बता रहे कि परमेश्वर ने फिर इनको इस प्रॉब्लम से भी आज़ाद कर दिया। और नेक्स्ट जो सिस्टर है गैरी से किरण सिस्टर, और जब बता रहे हैं कि एक हफ्ते से प्लस समय हो गया था कि इनके बेटे को फीवर था जिसके कारण जो बता रहे कि रोज ये 10 बार पोटियां करता था, और जिसके कारण इन्होंने 3 डॉक्टर भी बदल लेते जितने जिससे भी जी मेडिसिन लेते थे, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इनके बेटे को, और जिसके कारण जी बहन काफ़ी परेशान थे। और जैसे जब भी संडे की मीटिंग इन्होंने अटेंड किया जब इसके लिए भी ले हैंड हुई तो परमेश्वर ने इसको भी अच्छा किया। और चंडेगांव से मनप्रीत सिस्टर, और जी सिस्टर बता रहे हैं कि इनको भी फीवर की प्रॉब्लम थी जिसके कारण इनको इन्होंने काफ़ी मेडिसिन खाई थी, 3 महीने हो गए और जो काफ़ी परेशान। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कैमरे पे जो ट्रेंड है, फिर अब जिसकी गवाही है उसको नहीं झूम कर रहे हो।
और जिसके कारण इनके घुटनों इनके टांगों में बहुत दर्द थी, चलने फिरने में काफी प्रॉब्लम थी। जो बता रहे कि इनसे बहुत ही धीरे धीरे चलते थे, बहुत दर्द रहती थी। और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने भी रिसीव किया संडे की मीटिंग के दिन इनके लिए भी लैंड हुई, तो जो बता दें कि परमेश्वर ने इनको भी इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम मुस्कान कमो गाँव से, और जो बता रहे हैं कि इनको भी एक महीने से फीवर की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनको चक्कर आते थे और उसके बाद इनका बीपी लो हो जाता था। और इन्होंने भी मेडिसिन खाई, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब भी सिस्टर संडे की मीटिंग के दौरान इनकी ले एंड हुई, तो जो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको भी फ्री किया। जो बताते कि जैसे जो घर जाते थे तो इनकी प्रॉब्लम फिर से काफ़ी हो जाती थी, इनको बहुत नींद आती थी, पर जैसे संडे के दिन इनके लिए ले एंड हुई और जब अपने घर गई तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री किया। जयंतीपुर से ज्योति सिस्टर, जो बता रहे हैं कि इनको भी एक महीने से फीवर था, प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बुखार के कारण इनको चक्कर आते थे, इनकी टांगों में भी बहुत दर्द रहती थी, घुटनों में दर्द थी, और प्लस इनके बच्चों को भी सेम यही प्रॉब्लम थी, इनके बच्चे भी इसके कारण काफ़ी परेशान थे। जो बता रहे कि रोज़ ही अपने बच्चों को भी मेडिसिन लेकर देते थे, जब तक मेडिसिन खाते इनको असर रहता, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, जिसके कारण जो काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो काम पर भी जाते थे और जिसके कारण इनका जो काम भी नहीं थे कर रहे, जो काफ़ी परेशान हो चुके क्योंकि घर का भी काम नहीं कर सकते, इतनी इनकी टांगों में इनके बाजू में दर्द थी। इनके लिए भी जैसे लैंड हुई और जो बता रहे कि परमेश्वर ने इनको भी आज़ाद कर दिया। और माला से निंदर सिस्टर, जे बता रहे हैं कि इनको भी एक हफ्ते से फीवर था, और जैसे जे पिछले संडे आए थे तो इतनी इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जे बताते कि जे संगति में भी बैठ नहीं पा रहे थे, ना ही खड़े हो रहे थे, जे बताते कि इनसे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ना ही जे चल सकते थे, इतनी दर्द थी इनके घुटनों में जोड़ों में। और जे बता रहे कि बहुत ही परेशान थे, पर जैसे ही जे बता रहे कि जब जे भी आगे आए इनके लिए भी लैंड हुई, तो उससे दिन ही जे बता रहे परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ और उस दिन से ही परमेश्वर ने इनको भी इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। और जो नेक्स्ट मंजिंदर सिस्टर है कक्कड़ गाँव से, और जब बता रहे कि एक हफ्ते से इनको भी फीवर की प्रॉब्लम थी और इनके बच्चों को भी, और जब भी मेडिसिन भी ले रहे थे फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इनके भी टांगों में घुटनों में दर्द थी। और जब बता रहे कि उस संडे की मीटिंग के दिन इनके लिए भी लैंड हुई अभी, और ये सिस्टर भी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। एलिस सिस्टर जो मोदल गाँव से, जो बता रहे हैं कि इनको भी एक हफ्ते से फीवर था, इनको भी चक्कर आते थे, घुटनों में जोड़ों में टांगों में बहुत ही दर्द होती थी, और जो बता रहे कि जो चल भी नहीं सकते थे और मेडिसिन भी खा रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और काफ़ी परेशान थे। और जो बता रहे कि इनके लिए भी जब ले एंड हुई थी, उस दिन ही परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ और जो उस दिन से बिल्कुल फ्री है। और रजवंत सिस्टर मक्खनविंडी गाँव से, जो बता रहे कि 10 दिन से इनको बुखार की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनकी टांगों में इनकी बाजू में इतनी दर्द थी कि जो इनका चलने फिरने में भी इनको काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी परेशान थे। और जो बता रहे कि जिसके कारण जो मेडिसिन भी ले रहे थे फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, और जैसे इनके लिए भी लैंड हुई और उस दिन से जे भी सिस्टर बिल्कुल फ्री है। संदीप सिस्टर मोदल गांव से, और इनकी बेटी को 10 दिन से फीवर था और काफ़ी परेशान थे, बहुत तेज़ फीवर हो जाता था। और जो बता रहे कि इसके लिए जो विश्वास कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे पर फ़र्क नहीं पड़ा, और जो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर इस बच्ची को बिल्कुल फ्री कर चुके, और जो बता रहे कि जैसे ही इनके लिए भी लैंड हुई और परमेश्वर ने इनको भी अच्छा कर दिया। और नेक्स्ट संध्या मुदल से, जो बेटी बता रही है कि एक महीने से इसको भी फीवर था, जिसके कारण इसकी पूरी बॉडी में दर्द रहती थी, और जो बता रही है कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इसके लिए भी लैंड हुई, तो परमेश्वर ने इसको भी इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया। तो कि अभी जो भी हैं, जितने भी हैं सारे, तो यह सब जानते हो कि इस संडे जब खुदा ने मेरे मुंह से कहा था कि आप आगे आ जाओ, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है, बोल गए, जिन्हें बुखार हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी के सेल्स की कमी आ जाती है, उठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता, बॉडी में बड़ी वीकनेस आ जाती है, तो ये सारे वो लोग हैं
जो अपनी अलग अलग प्रॉब्लम के कारण पिछले संडे आए थे और जब आगे आए तो उसके बाद क्या हुई? तो जैसे जैसे सब आगे आए तो इनके लिए लेहड़ हुई। अभी हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। टूटा है बीमारी पाप का जादू, टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी कुदरत से शैतान हारा ने तारा, कुदरत से शैतान ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान हारा ने तारा, कुदरत से शैतान हारा लतारा, कुदरत से शैतान हारा ने हारा, कुदरत से शैतान हारा। शुटकारा सुनास नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। होंगे सुनो, जितने लोग आप खड़े हो इस थर्सडे की मीटिंग को अटेंड जरूर करना। बोलो क्या है? पूरी लाइन गवाही देगी, पूरी लाइन गवाही देगी। ठीक है तो सुनो, हम में से कितने लोग थे जो जिन्होंने वीरवार की मीटिंग को अटेंड किया है, वेरी गुड। क्योंकि खुदा ने तो आपको स्वर्ग से दे दिया। ये जितने हैं मे भी शायद इतने लोग और होंगे। पापा ये सिर्फ कुछ ही रह गए, बाकी मोस्टली सबके हो गए। अच्छा, कुछ रह गए बाकी सब आ गए हैं जी। वेरी गुड। तो जो रह गए वो भी विश्वास करें। बोले क्या करें? क्योंकि अगर खुदा ने आपको स्वर्ग से दिया है तो ये होना ही होना है, 100% होना है। बोलो क्या? ये 100% होना है। तो मैंने कहा था कि ये पूरी लाइन क्या है गवाही देगी, और ये पूरी देख लो कितने लोग खड़े हैं। बोलो क्या है? ये सब लोग वो लोग हैं जो कितने कितने दिन से मेडिसन अपना सब कुछ अपनी बुद्धि से सारा कुछ कर रहे थे, पर जरा सा भी 1% भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। जरा सा भी, मैंने कहा 1% भी जो मेडिसिन से ये अपना जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे ड्रिप कुछ कईयों ने लगाया होगा, कुछ भी कर रहे थे, तो जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही उस दिन सारे ये लोग आगे आए, मैंने कहा था कि अब ये पूरी लाइन गवाही देगी, अब कुछ ही लोग बचे। बोल के वो भी विश्वास करें, खुदावंद उनकी जिंदगी में भी अपनी गवाही को बना चुका है। बोल के उनके जीवन में भी ये बड़ी गवाहियों को बना चुका है, इसलिए इस बड़े काम को, इस प्रोफेटिक को जो खुदावंद ने, ये ऐसे नहीं है। अगर मैं फिर से आपको एक एक की गवाही को क्यों शेयर किया ताकि आप समझ जाओ ये लोग कितने परेशान थे। हम सीधा भी बोल सकते थे,
हाँ ठीक है, ये सारे बुखार वाले हैं जो उस दिन आए थे, जिनके जोड़ों में दर्द रहता, बॉडी में वीकनेस थी ऐसे। तो हमने एक एक की गवाही क्यों बताई कि ये सारे लोग बड़े परेशान थे और आज आपके सामने सारे भले चंगे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों जी, फ्री हो? जोर से हालेलुया बोल दो अगर फ्री हो तो। जोर से, जोर से तारीफ करो, जोर से इस गवाही के लिए, बड़े काम के लिए। न कर परवाह किसे गलती, रख दा खबर हर पल की, न कर परवाह